हजारीबाग के कटकम दाग थाने में मुहर्रम को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। कोरोना का असर मुहर्रम पर भी पड़ेगा। आज शांति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस दौरान ना तो जुलूस निकाला जाएगा और ना ही डीजे बजाया जाएगा। लोग अपने अपने घरों में इबादत करेंगे। इस बैठक में थाना प्रभारी के अलावा अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ विचार विमर्श किए। लोगों को संदेश दिया गया कि मास्क, हेलमेट आदि सुरक्षा के जितने भी उपकरण हैं उसका लोग उपयोग करेंगे। क्योंकि आप समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप आमजनों को सजग करें। यह संदेश प्रायः सभी अधिकारियों ने दिया। लोगों से भी अफवाह फैलाने वाले पर नजर रखने का बात कहा गया। अधिकारियों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस दौरान अफवाह फैलाते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस तत्पर है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के बात को हमारे संवाददाता भवेश मिश्रा ने आप तक इस प्रकार पहुंचा रहे हैं। आज अभी के बाद जब तक कोविड का गाइडलाइन रहेगा, यानी कि जब तक कोविड है तब तक सभी लोग मास्क लगाएंगे। सही तरीके से मास्क लगाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। स्वयं लगाएंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। स्वयं लगाएंगे और दूसरे को प्रेरित करेंगे। सभी हम लोग अपने प्रियजनों को इसका पालन करने के लिए प्रेरित। शांति समिति की बैठक आयोजित किए हैं, जिसमें सभी गणमान्य लोग, प्रतिनिधि लोग और मीडिया बंधुओं को और सभी साथियों को बुलाया गया है कि आप लोग का सहयोग अपेक्षित है मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहार मनाना है। इसमें कल एक संयुक्त मीटिंग हुई थी एसपी साहब और डीएसपी सर के, एसपी सर और डीसी साहब का, जिसमें वो क्लियर कट कोविड गाइडलाइन का जो नियम है वो चीज़ बताए। उसमें अपने अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, इसीलिए हम तो सब अखाड़े वालों को बोल दिए थे, लेकिन वहाँ जगह नहीं रहने के कारण बाद में हम लोग को सूचना मिला कि नहीं, थाना क्षेत्र से दो आदमी को ही लेके आना है क्योंकि जगह कम है। उसके बाद यहाँ जो गाइडलाइन मिलेगा अपने थाना में जाके सभी गणमान्य लोग को बैठा के बता देना है, तो उसी को लेकर आज हम लोग बैठक रखे हैं। इसमें बहुत सा कोविड गाइडलाइन का नियम है जो कि डीसी साहब के द्वारा बताया गया है, और उसमें है कि कोई भी जुलूस से नहीं निकलेगा, और है किसी भी तरह का मेला और प्रदर्शनी प्रतिबंधित है। इसके बाद है सभी प्रकार का धार्मिक स्थल बाहरी लोगों के लिए बंद रहेंगे। जैसे कोई मंदिर है तो वहाँ जो पुजारी पर डे पूजा करते हैं वो ही सिर्फ पूजा करेंगे, और वहाँ एक्स्ट्रा लोग कोई बाहरी लोग ना जाएंगे और भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे। एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना है। खुले मैदान में कहीं प्रदर्शनी उस तरह का नहीं करना है, और अगर होता है तो 100 आदमी से ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए। शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग को मुहर्रम मनाना है। कहीं किसी तरह का कोई घटना ना हो, कोई भी दाग, कटकम दाग में दाग तो लगा ही हुआ है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा दाग न लगे। हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, ताकि देखिए बहुत बदनामी होती है, ऐसा कोई भी घटना घट जाता है तो कटकम दाग में क्या हो गया, तुरंत वायरल हो जाता है, कहां से कहां सब तरफ से फोन आने लगता है कि कटकम दाग में क्या हो गया। जबकि जब हम लोग तहकीकात करते हैं, उसमें घुसते हैं, तो देखते हैं कि कुछ मैटर नहीं है, थोड़ा सा छोटा छोटा मैटर को लोग हाईलाइट करके एक बड़का चीज बना देता है। तो जैसा कि कल की बैठक में जो हुआ है जिला प्रशासन की बैठक में, दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है कि इसको जो है किसी तरह का जुलूस नहीं निकालना, ये तो पहले से भी है, ये तो गाइडलाइन कोविड का चल ही रहा है, कोई जुलूस नहीं निकालना है और कोई भी भीड़ भाड़ प्रदर्शन नहीं करना है। मेरा अनुरोध यही हुआ कि आप लोग घर में शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, ताकि ना निकलेंगे और ना कुछ होगा, और अगर कोई निकलने की कोशिश भी करता है तो उसको भी एज ए गार्जियन के रूप में आप लोग उसको रोकें, किसी तरह कोई घटना ना हो।
शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग मुहर्रम मना ले, है ना। और इन्हीं शब्दों के साथ कोविड गाइडलाइन का भी अनुपालन करें, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ भी देखिए केरला की बात है, वहाँ पर पिछले बकरीद में जुलूस का अनुमति दे दिया गया, और आज स्थिति केरला की क्या है ये आप लोग पेपर में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो हम लोग ऐसा कोविड पहले अपनी जान को सुरक्षित करना, हम लोग सुरक्षित रहे हैं, कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो इसका ध्यान रखें, कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करें, मास्क लगाएं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मैं अक्सर ऑफिस आता जाता हूँ, देखता हूँ, हर चीज़ घूमता हूँ फील्ड में, यहाँ पर देखता हूँ क्या कि जो भी मोटरसाइकिल वाले हैं जो ना चलाते हैं किसी के सर में हेलमेट नहीं, तो कितना अच्छी बात है कि सीधे अपने जान को जोखिम में डाले हुए हैं। एक्सीडेंट कब किसका हो जाएगा इसका कोई ना कुछ कह सकता है, लेकिन अक्सर हम बड़ा बाबू से अनुरोध करेंगे कि दो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माथी का हेलमेट का जरूर आप लोग ध्यान रखें। हेलमेट बिना जो है एक भी हम नहीं देखते हैं, जितना बच्चे चाहे बूढ़े भी हैं, बच्चा तो बच्चा है मान लिया उसको तो नादान है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं मोटरसाइकिल में तेज़ी से चल रहे हैं कहीं हेलमेट नहीं है, अगर बाय द वे घटना कोई है तो सीधे जान ही चला जाता है ना, और जान जाने से भाई उसका परिवार तो गया, परेशानी कितनी होती है, हम लोग भी परेशान होते हैं, हुआ तुरंत में पहुँचिए उसका देखिए देखभाल करिए सब कुछ करना होता है। अगर अपना अपना जान लोग सुरक्षित रखें, हेलमेट लगाएं, मास्क लगाएं, तो हम समझते हैं कि बहुत कुछ कंट्रोल हो जाएगा, दुर्घटना में भी कंट्रोल होगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मनाइए, और अपने जान को सुरक्षित रखने के लिए अपने बच्चों को थोड़ा सा जरूर कहें कि बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाना, बिना मास्क के रोड पर नहीं निकलना है। ये लोग अपना अपना घर में थोड़ा सा आप लोग जितना मुखियागण है, जितना भी जन गणमान प्रतिनिधि हैं, हम समझते हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा सा लोग का योगदान क्या कर रहे हैं, किसी की बातों में आ गए, मीडिया का कुछ भी आया वायरल हुआ शामिल हो गए, ज़्यादातर वही बच्चे होते हैं जो कि नौकरी करने वाले हैं, सरकारी नौकरी में इच्छुक हैं, और जब उनका कैरियर पे दाग लगता है तो फिर थाना पे ही आता है कि भाई वेरिफिकेशन होता है कि भाई इन पे किसी तरह का मामला है कि नहीं। और अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी सरकार काफ़ी सारी वैकेंसीज निकालने वाली है, उसमें आपका चरित्र प्रमाण पत्र, आपका बाकी चीज़ें इसी आधार पे होंगी। तो शांति समिति के जो भी बुजुर्ग या युवा मेंबर सभी हैं, हम रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों का हमें हमारी ओर से प्रशासन को किसी को 107 नहीं लगाना पड़े या उनको चरित्र में हम लोगों को किसी तरह की आपत्ति करनी पड़े, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें कि पर्व त्यौहार में बच्चे अच्छे से मनाए, उन्नति के लिए है, आपके आगे बढ़ने के लिए, आपका सलामती के लिए, किसी तरह का नुकसान पहुँचाने के लिए। तो आप लोगों से आग्रह है कि हम लोग उसी तरह से इसको मनाएं, खुशी का पर्व है, हम लोगों को भी बुलाइए, हम लोग भी शामिल होंगे, या आपका मुहर्रम में आप लोग जिस तरह से मनाते हैं हम लोग उस तरीके से शामिल होंगे, लेकिन पूरे समझ से अपने बच्चों का, अपने परिवार की सलामती को साथ में लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। ये हम हर समुदाय को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हो सकता है इसके बाद अगला फिर हम लोग का और भी कुछ त्यौहार आने हैं, गाइडलाइंस इसी तरह से रहेंगी। तो सभी के लिए इसी मंच से एक मैसेज है कि परिवार की उन्नति, बच्चों की उन्नति, इसको लेकर के, इसी को मन में लेकर के हम लोग को मनाएं, परिवार के बीच में मनाएं और उनके साथ हम इसको अच्छे से करें ताकि सुरक्षित हो।